आपको धनिया पत्ती और प्याज वाला मेरा पराठा बन चुका है और टमाटर की चटनी है। तो देख सकते हो दोस्तों मेरा धनिया पत्ती और प्याज वाला पराठा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ धनिया पत्ती पराठा और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डालूंगी आटे में। और ये है कटा हुआ धनिया पत्ती और कटा हुआ प्याज भी है और बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची भी है। तो आटे में इसको मैं मिला लेती हूँ। तो कटा हुआ धनिया पत्ती और कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरी मिर्ची को, ये सभी को आटे में डाल चुकी हूँ और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देती हूँ। और इसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और पोस्तो पाउडर भी है, गोलकी पाउडर भी है। तो मिक्स ये मेरा मसाला है, तो इसे भी डाल देती हूँ और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब पानी डालकर आटे को गूंथ लेती हूँ। और आटा को मैं गूंथ ली हूँ। अब तवा गरम कर लेती हूँ। तो अब आटे से लोई तोड़कर इसको अब बेल लेती हूँ बेलन से। तो इस तरह से थोड़ा मोटा ही बेलना है दोस्तों, क्योंकि इसमें कटा हुआ प्याज है। तो तवा मेरा गरम हो चुका है, अब डाल देती हूँ तवे में और फिर से लोई लेकर फिर से बेलन से बेल लेती हूँ। तो रोटी को पलट लेती हूँ। अब इसमें तेल लगा लेती हूँ। तो ये मेरा पराठा पक चुका है, तो इसे अब निकाल के एक बर्तन में रख देती हूँ और फिर से डाल देती हूँ। तो इसे भी पलट लेती हूँ और तेल डाल देती हूँ। तो ये भी पराठा मेरा पक चुका है, तो इसे भी निकाल लेती हूँ तवे से और रख देती हूँ इस बर्तन में। तो इस तरह से मैं सभी पराठे को पका लेती हूँ। तो धनिया पत्ती और प्याज वाला मेरा पराठा बन चुका है और टमाटर की चटनी है। तो थोड़ा सा मैं चख के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरा पराठा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मेरा प्याज वाला, मेरा धनिया पत्ती और प्याज वाला पराठा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो बहुत सारा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।